नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वह एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ देख सकते हैं विजय कुमार जी ने कमेंट किया है कि हाउ टू ऐड एरो मार्क इन एडोबी पेज मेकर। तो आज मैं आप विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि एरो मार्क अगर नहीं है तो कैसे क्रिएट करते हैं पेज मेकर के अंदर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एरो का इस तरह का एक शेप मैंने क्रिएट किया है। तो इस तरह का शेप अगर नहीं है तो इस तरह का शेप आप कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइन। ये देख सकते हैं पतला पतला आपको लकीर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन के माध्यम से इस तरह आप एरो मार्क क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एडोबी पेज मेकर 7.0 को ओपन करें, फाइल में जाइए, फिर न्यू में जाइए, फिर एक डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक पेज साइज यहाँ से आपको पेज लेना होता है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल सा यहाँ पर एक पेज आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में, ये देखिए रूलर है, आपको स्केल दिखाई दे रहा होगा। ये रूलर आपका हॉरिजेंटल रूलर है और ये आपका वर्टिकल रूलर है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टूल बॉक्स में ये जो टूल है पिक टूल, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ऊपर का जो आपको जो रूलर है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, ठीक उसके बीचों बीच कहीं भी रखिए। उसके बाद इस तरह एक आप गाइडलाइन ड्रैग कीजिए पेज के अंदर, फिर दूसरा सेम टू सेम इसी तरह गाइडलाइन ले लीजिए, दूसरा गाइडलाइन, फिर एक तीसरा गाइडलाइन। इस तरह आप तीन गाइडलाइन यहाँ पर रखा मैंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये, गाइडलाइन के द्वारा कोई भी शेप आप क्रिएट करते हैं तो परफेक्ट वो शेप बनता है। तो गाइडलाइन के द्वारा आप शेप तैयार करेंगे। तो उसके बाद फिर एक और गाइडलाइन यहाँ पे मैंने ऊपर रख दिया, ये यहाँ पे रखा है, थोड़ा यहाँ रखा, फिर एक गाइडलाइन लिया नीचे रखा। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैंने तीन गाइडलाइन यहाँ ले रखा है और दो ऊपर में रखा है, टोटल मैंने पांच गाइडलाइन ले रखा है। उसके बाद अब एक गाइडलाइन यहाँ पे ले, इधर से आप हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल रूलर है यहाँ से आपको एक गाइडलाइन लेकर, ये जो गाइडलाइन है इसे आपको लाकर इस तरह रखना होगा। मैं बताऊँगा आपको क्यों गाइडलाइन लेना है। फिर दूसरा एक गाइडलाइन यहाँ पर रख दिया, इस तरह देखिए दो हॉरिजॉन्टल इधर से आपको वर्टिकल गाइडलाइन ले लिया। उसके बाद अब हम लोग चलिए अब स्टार शेप बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाइए और ये जो शेप टूल है, ध्यान से देखिए, सॉरी, ये जो टूल है ये आपका पॉलीगन टूल है, ये पॉलीगन टूल हैंड टूल के ठीक ऊपर, इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो दो तीन लाइन है इसके बीचों बीच ये जो गाइडलाइन लिया है यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ ऊपर वाली लाइन पर, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे क्लिक गाइडलाइन पे ही क्लिक कीजिए, परफेक्ट होगा। क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा के रखिए और उसके बाद यहाँ पे इस गाइडलाइन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, फिर एक शिफ्ट दबाइए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक किया मैंने, फिर एक यहाँ क्लिक किया, ये देखिए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लिक किया यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेम टू सेम इसको आपको यहाँ पर ला के ये मिला देना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए गाइडलाइन मेरा, ये गाइडलाइन के यहाँ से मैंने इस तरह का शेप तैयार कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस ये जो बॉक्स शेप तैयार किया मैंने उस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद उसे आप चाहे तो कलर कर सकते हैं। ये देखिए एरो तैयार हो गया, ये देख सकते हैं एरो परफेक्ट एक, देखिए यहाँ पर एरो इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। सिंपल सा एक एरो आप इस तरह बना सकते हैं, सिंपल है। गाइडलाइन लेके इस तरह का एरो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप जैसा मन करे आप इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर कर दिया, इसका आउटलाइन कलर करना है तो कलर पैलेट में जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और ये आउटलाइन भी आप बना सकते हैं। आउटलाइन अगर ठीक करना है तो उसके बाद आप एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, देखिए इस तरह का, देखिए ये देखिए इस तरह का शेप, स्टार शेप, सॉरी ये एरो शेप आप तैयार कर सकते हैं। सिंपल और आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो गाइडलाइन है आप इसे चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं, इसे आप क्लियर भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, व्यू में जाइए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए क्लियर रूलर गाइड दिया हुआ है, यहाँ से देखिए वो गाइडलाइन चला गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए कैसे इस तरह का स्टार शेप हम लोग ये पॉलीगन टूल से बनाते हैं। सिंपल और आसान, परफेक्ट कैसे शेप देंगे, कैसे गाइडलाइन बहुत आसानी के साथ इस तरह का आप एरो से बना सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले ऊपर आप देखिए रूलर है, यहाँ से आप ड्रैग कीजिए, रूलर पे माउस पॉइंटर रखिए और ड्रैग कीजिए, एक इस तरह गाइडलाइन लीजिए, फिर ये दूसरा गाइडलाइन लीजिए एक, ठीक उसके नीचे, फिर एक तीसरा गाइडलाइन लीजिए यहाँ पे रख दीजिए,
ये 3, 1, 2, 3 गाइडलाइन हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर ये वाला गाइडलाइन रख दीजिए, इस तरह थोड़ा सा ऊपर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है तो बड़ा सा आएगा। रखिए फिर एक गाइडलाइन लीजिए यहाँ से, एक गाइडलाइन यहाँ से लिया। अब अगर ध्यान से स्टार को अगर ये शेप को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक गाइडलाइन लिया था, बीच में लिया था, तो ये जो बीच वाला गाइडलाइन ये बीच के लिए, ये पॉइंट के लिए, और उसके बाद एक गाइडलाइन आपको यहाँ से लेना होगा, यहाँ से ये आपका वर्टिकल में चले जाइए, यहाँ पे यहाँ से ड्रैग करके ये वाला ऐसे रख दीजिए, फिर दूसरा एक गाइडलाइन यहाँ पर रख दीजिए इस जगह पर। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, पहला गाइडलाइन, दूसरा गाइडलाइन, तीसरा गाइडलाइन, चौथा एक पाँचवा, ये आपका हॉरिजेंटल गाइडलाइन ले लिया। फिर यहाँ से देखिए वर्टिकल गाइडलाइन इस तरह लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप टूल बॉक्स में चले जाइए, उसके बाद ये जो पॉलीगन टूल है इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद बीच वाला एक दो तीसरा वाला, ऊपर में देखिए ऊपर का गाइडलाइन, नीचे में गाइडलाइन, लेकिन ये जो बीच वाला तीन जो गाइडलाइन, एक दो तीन, यहाँ पर ये यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस तरह पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप शिफ्ट दबा के रखिएगा तो स्ट्रेट आता है, तो इसलिए बेस्ट है जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिर्फ गाइडलाइन के ऊपर ऊपर ले जाइए, सिंपल है। इस तरह का शिफ्ट दबा के रखिए, स्ट्रेट आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लाया, फिर देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ला दिया मैंने इस पॉइंट पर। उसके बाद सिंपल यहाँ से ला के यहाँ मिला दीजिए, ये देखिए ये तैयार हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसे ब्लैक कर दीजिए, कलर कर दीजिए, यहाँ पे फिल के लिए ये वाला कलर है। ये देखिए पूरा का पूरा देखिए इस तरह का गाइडलाइन के माध्यम से ये शेप तैयार हो गया पॉलीगन टूल के माध्यम से। ये देखिए इस तरह सुंदर सा एक स्टार। अगर आप चाहिएगा तो ये वाला जो गाइडलाइन है इसे आप कैसे हटाएंगे, व्यू में जाइए, थोड़ा सा नीचे आया क्लियर रूलर गाइड, देखिए अब सिर्फ शेप आपका बच गया। देखिए सुंदर सा एक स्टार शेप तैयार हो गया, ये देख सकते हैं। इसे आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप इसे ड्रैग करके इस तरह आप शेप दे सकते हैं। उसके बाद इसे कलर कर दीजिए, ये देखिए कलर हो गया। इसका आउटलाइन देना है, यूटिलिटीज सॉरी एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, और यहाँ से आप इसका देख लीजिए खूबसूरत सा स्टार। ये देखिए स्टार नहीं सॉरी, ये देखिए स्टार शेप सॉरी, ये आपका एरो शेप तैयार हो गया। तो ये सिंपल आसान तरीका मैंने दिखाया, जैसे आप गाइडलाइन के माध्यम से आप इस तरह का स्टार शेप तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं Adobe PageMaker से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प कर सकूँ। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।